इतने पास पास ही आए ना प्लेन। ये देखो भाई लगी लगी लगी। देखिए गाइस इन नन्हे दोस्त हमारे। ओए बाय बाय। हमारी बेटू का आज हम करने वाले है। अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने मार्केट से, चले फटाफट से रेडी होते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है? ऑल गुड, लेट्स गो। गुड टू गो भी कहते हैं। गुड टू गो, गुड टू गो। और तुम बड़ा कौन होने वाला है? हाँ एंजॉय, एंजॉय, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। ओके चलो गाइस रेडी होते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? ऑल गुड। भाई साहब इतना दूर था ना जो हमारा है जिस लोकेशन में जाना है। इनफैक्ट को कुछ काम से आया थे, हल्द्वानी में भी काम, दिल्ली में आगे भी काम, मतलब काम ही काम, काम ही काम। चलो भाई किस तरीके से पहले वो काम फिनिश करते हैं फिर बाकी देखते हैं कहीं अगर जाना होता है तो। इस थड़कती थड़कती धूप में दादा हमारी बर्थडे गर्ल एकदम नकाबपोश बन चुकी है। लक्ष्मी यहाँ देखो कहाँ जा रहे हो? ये घूमने। इसके साथ गाइस एक गेम खेला जा रहा है, सो घूमने नहीं, इसे कभी हम पहले काम कराने ले जा रहे हैं। A few minutes later. तो गाइस आई एम बैक। और हाँ फाइनली भाई जिस काम के लिए हम इतना दूर आए थे वो काम हमारा हो गया है। तो भाई ऑल गुड, गुड टू गो। और हाँ भाई अब यहाँ से जा रहे हैं हम कुतुब मीनार घूमने, ठीक है? तो फटाफट पहुँचते हैं फिर बाकी प्रक्रिया जो भी होगी ऑनलाइन टिकट का। पहले गया हूँ बहुत टाइम पहले और ऑनलाइन टिकट भाई करने का, वरना वहाँ लाइन लगती है टिकट काउंटर में बहुत तकड़ी। तो हम पहले से ऑनलाइन टिकट करके चलेंगे, बाकी अब सीधे मिलेंगे हम कुतुब मीनार, ठीक है? लेट्स गो गाइस। 20 मिनट्स लेटर। तो भाई ऑनलाइन टिकट तो बुक कर लिया है। और हाँ सिर्फ ना कुतुब मीनार के पास में जो शॉप है भाई वहाँ से था बिल्कुल सामान मत लेना तरीके से, भाई यहाँ से लेना बिकॉज वहाँ सिर्फ एक ही शॉप है। मतलब 5 या 10 रुपये भाई महंगा रखते हैं क्योंकि उनका प्रिंटेड रेट होता है उससे। तो चलते भाई जी लोगों को मैंने बहुत वेट करा रखा है, फाइनली टाइम टू गो। और हाँ भाई ऑनलाइन टिकट करना तो ऑफलाइन काउंटर में यार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पहले 4-5 साल पहले जब मैं गया था तो तब से मैंने सीख लिया भाई ऑनलाइन टिकट बुक करो चटपट तरीके से बिल्कुल एंट्री होती है बिना किसी झंझट। दो रखें एक होना है, थैंक यू। चलो भाई फाइनली एंटर तो हमने कर लिया है और ठीक सामने रहा हमारा कुतुब मीनार। और ये गाइस हमारी बर्थडे गर्ल आज की। और भाई धूप तो यार बहुत ज़्यादा चटक है, मतलब सच में भाई बहुत ज़्यादा चटक धूप है। उस टाइम पर रश का वरना शाम के टाइम में थोड़ा सा डिंगल जाएगा ना फिर तो भाई देखो 88 लेवल की भीड़। बाकी यार पास से तो भाई और सही लगता है भाई। ये प्लेन वाला सिस्टम मैंने यार बहुत पहले भी देखा था कि यहाँ से प्लेन जाते जाते जो ऐसा शूट करते हैं रील को ही बहुत सही है, देखते हैं अगर हमारी किस्मत में हो रहा तो। गाइस ये है भाई कुतुब मीनार। और पहले ना भाई इसके यहाँ से एंट्री होती थी बट, और हाँ भाई मैंने सुना था कि एक बार क्या होता ना इसके अंदर जब लोग गए थे घूमने के तो किसी ने भाई उफा फैला दी कि ये हिल रहा है हिल रहा है, तो उस वजह से फिर बंद कर दिया है। यहाँ भाई ये प्लेन को तोड़ देगा क्या फिर? मैं भाई सोच ही रहा था कि ये हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा जो एयरप्लेन वाला सीन है। चलो फाइनली मिल गया है, ऑल गुड, गुड टू गो। इतने पास पास ही आए ना प्लेन, लग रहा है कि भाई एक बार टक्कर मारी दूंगा अभी, देखना एक बार आ रहा है। ये तभी भाई बहुत दूर से आ रहा है, जैसे पहले आ रहा भाई वो तो बहुत ही पास से ही आ रहा ब्रो। ये देखो भाई लगी 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 और भाई ठीक सामने रहा आयरन पिलर। और भाई ये तो मालूम होगा कि यार इसमें चाहे धूप आए बरसात आए जाड़ आए कुछ भी आए भाई इसे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये भाई जैसा है वैसे ही रहता है 12 महीने 24x7। तो भाई यहाँ पर भाई काम भी चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर पर्दे वर्दे भी लगाए हुए हैं। अरे भाई अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया वरना अभी तक क्या चटक धूप थी। ये प्लेन ना बड़े हाइट साइड निकल रहे हैं, मतलब एक बार तो लग रहा है कि ब्रो। भाई ये है पूरा व्यू भाई यहाँ से कुतुब मीनार का। और अगर आपको कुतुब मीनार की भाई फ़ोटो खींचनी है ना सबसे बेस्ट लोकेशन है भाई ये वाली, यहाँ पर इस टाइप की भाई ये रेलिंग टाइप की भी बनी हुई है, यहाँ पर से भाई बहुत प्राइम लोकेशन आती है। तो भाई और यहाँ वहाँ जगह से घूमने से बढ़िया यहाँ पर आओ, यहाँ पर से एक फ़ोटो लो और ऐसी 88 वाली ना मतलब मज़ा आ जाए। बाकी इन्हें मैंने भाई स्पॉट दिखा दिया तो भाई इनका फोटोग्राफी चलेगा थोड़ी देर। और हम क्या करते हैं कुछ नहीं ब्रो, क्या करते हैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर टहलते हैं यहाँ वहाँ। ये देखो भाई ऐसे जा रहे हैं ना पास पास से लग रहा है कि भाई ये तोड़ते हुए निकलेंगे, बस इसे कुछ नहीं हो रहा भाई ये जैसे का तैसा ही है।
मुझे डर भी लग रही है, उसको लग रहा है डर लगी। ये हमारे बैग से कोई सामान लेने भी आए क्या? अबे तीन तीन आ गए भाई, एक दो ये है, एक भाई वो। तो गाइस ये था भाई मेनली कुतुब मीनार। और हाँ भाई देखो घूमने के तो यार बहुत से, फिर वो ये कि यहाँ भी है यहाँ भी है, सब टूटी फूटी इमारतें हैं, तो ये घूम के कोई फ़ायदा है नहीं। हमने सारी चीज़ एक्सप्लोर कर ली है पहले, और मेनली भाई ये लोग आए थे फोटो खिंचाएंगे, इन्होंने सारी फोटो खिंचा ली हैं। तो गाइस कुतुब मीनार में कैसा लगा आपको? बहुत धूप लग गई है ना। और घूमने के लिए क्या है यहाँ मेन? तो भाई ये है, यहाँ ये लोग आए हैं भाई, मेन आए हैं फोटो खिंचाने के लिए। और भाई इस साइड को भी, इस साइड को भी, इसके पीछे भी भाई जितनी सारी पोजीशन है जहाँ से, मतलब अच्छी लोकेशन है, जो प्राइम लोकेशन है जहाँ से भाई कुतुब मीनार की पूरी फोटो आएगी भाई, वो सारी हमने एक्सप्लोर कर ली है। तो भाई जहाँ से बेस्ट आई थी भाई मैंने आपको बता दिया है, वो पोजीशन भाई बेस्ट आती है। और एक हाँ जो ये कॉरिडोर है ना यहाँ पर, वो जो एंट्री करते हैं पाकिस्तान साइड भाई, वहाँ से भी तगड़ी है। तो भाई ये थी कुछ जगह। और हाँ ज़्यादा कुछ घूमना है नहीं अभी, तो सीधे घर चलेंगे बिकॉज धूप बहुत हो रही है। तो थोड़ी देर अभी छाँव बैठे हैं गार्डन में मस्त तरीके से, इसके बाद भाई सीधे मिलेंगे घर में। ऑल गुड अक्षु, ऑल गुड। ओह थोड़ा सा बिजी है बट कोई चलो कोई यहाँ से, हाँ सीधे मिलेंगे भाई यहाँ से घर में, ठीक है। ऑल गुड टू गो। और हाँ एक बात और, ये बैग वैग ना कुछ अलाउड करते हैं नहीं, वो तो भाई मैं लक्ष्य थी, तो हमने कहा कि भाई बच्चे का सामान है, और ऑब्वियसली भाई भाई सामान था भी, तो उस वजह से ये बैग की एंट्री भी, वरना भाई ये सब बाहर सबमिट होता है। और हाँ भाई चिप्स विप्स पैकेट वाला आइटम नॉट अलाउड, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीज़ें होती हैं फोटो पानी वानी की बस। बाकी यार ये प्लेन व्लेन जो जा रहे हैं ना, कि अगर हम शाम तक यहाँ रुकते तो एक तगड़ी रील बनती है, बट कोई नहीं हमने थोड़ी बहुत बना ली, जितनी भी वो बनाई है आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर करना, ठीक है। चलो फाइनली चलते हैं हम, लेट्स गो। चलो बाय 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 बाय। मजा आया क्या बोला तूने? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो मैं फाइनली इधर शो टाइम। थैंक यू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूंक मारो इसको मंदिर में। एक बार, एक बार, यारी नहीं वाली वाली भी करो, ये भी, ये भी, ये भी, ये। चलो हैप्पी बर्थडे। लगाया मतलब मतलब उसका हाथ में मिला बेटा, और गुड़िया रानी है वो रहने दे उसको। फाइनली गाइस बर्थडे सेलिब्रेट हमने कर लिया है गाइस, इसी दिन के लिए हम आए थे, और बर्थडे मतलब ऐसे बीताना हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। क्या हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा रहा वैसा रहा, खाना भाई बहुत बढ़िया था। इधर आओ बर्थडे गर्ल, अब बताओ गाइस को आपको कैसा लगा आज के दिन? गंदा। अरे गंदा क्यों लगा बताओ? मौसी ने इतना अच्छा डेकोरेट किया, हमने केक भी खाया, फिर भी आपको गंदा क्यों लगा बताओ? देखो ये बच्चे भाई मेन टाइम पे धोखा देते हैं। चलो हमने सिखाया था गाइस को, इसने फिर से अपनी लाइन पास किया। चलो कोई ना, और सेलिब्रेट हमारा हो गया है। अब हमारा बेटू कितने इयर्स का हो गया? चार है? चार चार, हाँ। नहीं तो चार होते बेटा। खूब सिखाया था इसको। कोई नहीं गाइस हमारा वीडियो हो गया 3 इयर्स का, और हाँ भाई सेलिब्रेट हमने कर दिया फाइनली। इस ब्लॉग को भी आज हम एंड करते हैं, अगर मैं देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कल गाइस नहीं किया मिलते कल, सी यू सून बाय, जय हिंद, गुड टू गो। चलो बाय बाय।